एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छी हो गई। और आज के वीडियो में मैं रिएक्ट करने वाली हूँ एमी वे के एक सॉन्ग पे। एमी वे का कोई नया गाना नहीं आया है, एमी वे का एक पुराना गाना है जिसका टाइटल है खत्म। ये उसी पार्ट में है जहाँ पे एक बार मैंने बताया था ये स्टोरी कि डिवाइन ने पहले एमी वे को डिस किया। आई डोंट नो द फुल स्टोरी कि पहले किसने किया, बट मैंने यही सुना था कि किसी ने किसी को डिस किया एंड देन एमी वे ने गाना बनाया डिवाइन के ऊपर एंड डिवाइन ने अगेन एमी वे के ऊपर बनाया गाना डिस करने वाला। और उसके बाद एमी वे ने ये लास्ट गाना बनाया था ख़त्म, जो कि ख़त्म सारी चीज़ें ख़त्म करने के लिए बनाई थी, कि मतलब पूरा फुल एंड फाइनल उनको जो भी बोलना था वो उन्होंने इसी वीडियो में बोला था। तो ये इस वीडियो पे मैं चाहती थी रिएक्शन करना, बहुत टाइम से चाहती थी बट नहीं कर पाई। आई डोंट नो क्यों नहीं कर पाई। तो आज मैं इसी वीडियो पर रिएक्ट करने वाली हूँ। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ मेंशन करना चाहती हूँ। हमारे देश में जो भी चीज़ें घट रही हैं, जो भी हो रहा है इस वक्त, पेंडेमिक पूरी तरह से फैल चुका है बहुत ज़्यादा और बहुत से लोगों की जाने जा रही हैं। इन सारे सिचुएशंस में मुझे लगता है कि हमें जितने भी हमारे सुरक्षाकर्मी हैं, जितने भी हमारे पुलिस हैं, जितने भी हमारे आर्मी के जवान हैं, जितने भी लोग सीमा पे हैं, तैनात हैं, यार उनको भी तो प्रॉब्लम होती होगी क्योंकि ये वायरस है। दिस इज़ नॉट लाइक कोई दुश्मन, कोई इंसान, कुछ ऐसा नहीं है। ये एक वायरस है और इसको, ये किसी को भी हो सकता है। ये ऐसा नहीं है कि आपकी जात, कास्ट, आपके पैसे, रुतबे या फिर आपका पोस्ट, आपका जॉब प्रोफाइल और आपकी चीज़ें देख, बहुत सारी चीज़ें देख के आपके उसके बाद आपको होती है। ये किसी को भी हो सकती है, तो उनको भी हो सकती है, लेकिन फिर भी वो अपनी जान को हथेली पर लेके और हमारे लिए, हमारी सुरक्षा के लिए अपनी ड्यूटी पे तैनात रहते हैं हर वक्त। उनके लिए कोई लॉकडाउन नहीं है, उनको हमेशा काम करना है, 24 आवर वो हमारी सेवा में लगे रहते हैं। तो इस चीज़ को मैं अपने आप से, मैं दिल से सल्यूट करती हूँ इस चीज़ को कि हमारे देश में ऐसे जो भी लोग हैं, जो भी पुलिसकर्मी हैं, जो भी सुरक्षा बल, जो भी है हमारे जैसे सेना है जो बॉर्डर पे तैनात है, अभी भी इन दिस सिचुएशन जहाँ पे हमारे देश में ऑक्सीजन की कमी हो गई है, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है लोगों को, इस वजह से लोग मर रहे हैं, ऐसे सिचुएशंस में भी वो लोग बॉर्डर पे तैनात हैं और उनके साथ भी कुछ भी हो सकता है। वो मतलब कुछ भी, यार आप सोच के एक बार देखना कि हम तो अपने घरों में हैं, सुरक्षित हैं, हम तो अपना सेफ्टी कर लिए हैं, हमारे लिए लॉकडाउन लग गया है, बहुत सारी चीज़ें हैं। आई नो कि लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी हैं बट बहुत से लोग सुरक्षित हैं, महसूस कर रहे हैं सुरक्षित, लेकिन आप ज़रा बाकी लोगों के बारे में सोच कर देखिए उनको कैसा फील होता होगा, उनको कैसा लगता होगा। वो अपने परिवार से दूर हैं और उनको नहीं पता कि कल क्या होगा, कल उनके जान रहेगी नहीं रहेगी। दुश्मनों से बच भी जाएं तो इस वायरस से कैसे बचें, ये भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि बहुत दुखी करती हैं दिल को। ऐसा पता नहीं क्यों हो गया हमारे देश में और बाकी ये देश में भी हो रहा है, ये सभी सब चीज़ें तो सबके देश में ही हो रही हैं। तो बहुत मेरी दिल से कामना है, यही मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ कि जल्द से जल्द ये सारी चीज़ें ठीक हो जाएं। और आप लोग को यही बताना चाहती हूँ कि आप लोग भी जितना हो सके दूसरों की मदद करें, डोनेट करें, पैसे डोनेट करें अगर आपके पास है तो, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप नहीं करिए, आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए और थिंकिंग को ब्रॉड करिए लोगों के लिए। मदद सिर्फ पैसों से ही नहीं होती है, बहुत सारी चीज़ों से आप मदद कर सकते हैं। तो लोगों की, गवर्नमेंट की बात मानिए, गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को मानिए और सुरक्षित रहिए और सेफ रहिए और लोगों को हेल्प करिए जितना भी हो सकता है। तो मेरा यही मैसेज रहेगा और जितने भी सुरक्षाकर्मी हैं मैं उनको दिल से सल्यूट करना चाहती हूँ कि आप लोग जो कर रहे हो हमारे लिए, उसके लिए जितना भी थैंक यू बोले, जितना भी आपको हाथ जोड़ के कुछ थैंक यू बोले कम है। तो बहुत बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग। तो ये आज की वीडियो मैं उन सभी लोगों को डेडिकेट करूंगी जो लोग इन सब कामों को कर रहे हैं, हमारे डॉक्टर्स, हमारे पुलिसकर्मी और जितने भी हमारे सुरक्षा बल के लोग हैं जो कि सीमा पर हमारी सुरक्षा कर रहे हैं, बहुत सारे बॉर्डर्स हैं वहाँ पर तैनात हैं। ऐसे लोगों को ही मेरा ये वीडियो, आज का वीडियो डेडिकेटेड रहेगा। आई होप कि ऐसे लोगों तक मेरा वीडियो पहुँचे और ऐसे लोग मेरा वीडियो देख सकें जो भी सुरक्षा बल के अधिकारी हैं या फिर पुलिसकर्मी हैं या फिर डॉक्टर्स
व्यूअर्स हैं, अगर आई होप कि ये वीडियो उन तक पहुंचे और मेरा मैसेज उन तक पहुंचे, लोगों को मेरा दिल से प्रणाम है। और मैं यही बोलूंगी कि आप लोग जो भी कर रहे हैं उसके लिए जितना भी थैंक यू बोले हम उतना कम है। अगर आप लोगों के आसपास कोई ऐसे लोग होंगे, ये पुलिस वाले या कोई भी होंगे, तो बिल्कुल वीडियो शेयर करिएगा। अगर आपकी जानकारी में आपके कॉन्टैक्ट में होंगे तो बिल्कुल इस वीडियो को शेयर करिएगा, जितना हो सके लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करिएगा ताकि मेरा मैसेज उन तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट, देखते हैं पहले वीडियो को, उसके बाद साथ में एंजॉय करेंगे वीडियो को, तो उसके बाद मैं बताऊंगी कैसा लगा मुझे वीडियो, और भी बहुत सारी बातें करेंगे लास्ट में भी। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट, सो लेट्स जंप इनटू द वीडियो। एक खत्म नहीं हुआ। ए वड़ा वड़ा क्या बोलते सब लोग, एमवे बंटा है मालूम है ना? नहीं मालूम है तो सुन। क्या बोला तू? एमवे का सीन चेंज कर दूंगा, भगवान है क्या बे? मैंने जो भी किया ना खुद से किया है। और क्या बोलता, मैं रस कॉपी करता हूँ। अबे मैं इंस्पिरेशन लेता हूँ इन सब लोगों से, एमिनेम, रस, सब आर्टिस्ट को देखता हूँ। तेरे ऐसे नल्ले पाव को देख के नहीं सीखता हूँ मैं। और बोलता है रफ्तार को पहले सुनता था। अबे लाइन समझ मेरी जान, 2014 में ही तेरे को डिस कर दिया था मैं, क्योंकि तू बहुत नकली बन रहा था तभी से। सुन, मैं वापस आ गया, तू फिर से डरेगा, जिस तरह फ्लॉप हुआ अब क्या करेगा, मैं पहले से फेमस था शाने, तू क्या मेरा छोटे सीन चेंज करेगा? तू बस बड़ा दिखाना चाहता है, हम जैसे को तू दबाना चाहता है, लेकिन मेरे पास तेरे लिए बहुत सारा सब चाहिए, ऊपर से शब्दों का चाटा है। बंद किताब हो आज भी राज, मैं बेइज्जती करूं मैं तेरी भी एक सांस। मेरे लाला मैंने लाला तू निकाला, मेरे वजह से तेरे पे गिरेला है ये उजाला, मारा ताला मेरा छोटू मोटू बीबी बाबा बाला, मैं उजाला मैंने गोदी में रफ्तार उछाला कैसा, गोदी में रफ्तार उछाला, मैं भिड़ाला एक तक काला, अकेला मैंने पूरा सीन बना डाला, तेरे जैसे चने को सिंग बना डाला, तेरे जैसे चने को सिंग बना डाला, मोबाइल का जमाना और तू फेजर है, तू नल्ला पाव घंटा है, बहुत डेंजर है, तूने बोला तूने मेरा काम बनाया, ये बता क्या रफ्तार मेरा मैनेजर है? तूने मुझे मैच म्यूजिक से मिलाया, पर वजह बेटा कुछ और था, भरोसा नहीं होता तो छोटे पाजी से पूछ ले, पैक गाना उनका सामने से कॉल था, लेबल से आ रहा मेरा गाना तेरी जली जली। अच्छा पाजी, यहाँ पे हनी सिंह की बात हो रही है। हनी सिंह ने इन लोगों को बुलाया था, मौका भी दिया था गाना का, और आई थिंक कोई पैग वेग गाना बनाना था इन, उसमें इन लोगों को आई थिंक करना होगा कुछ रैप वैप ऐसे कुछ करना होगा, तो पता नहीं वो पैग गाना तो कोई है नहीं हनी सिंह का, आई डोंट नो। आप अगर बताइएगा, अगर कोई होगा गाना पैग नाम का, हनी सिंह का कोई गाना होगा तो प्लीज़ बताइएगा। सामने से कॉल आया था इनको, खालीबल से आ रहा मेरा गाना तेरी जली जली, खुश हूँ मैं तुझे देख के करूँ मैं खलीबली, आगे चला गया मैं, तू खड़ा हुई हुई जनता भी जानती है रफ्तार सही नहीं, क्या साइन कराते यार ये सही है। कल वहाँ था आज देख मैं कहाँ पर हूँ, एमिवे एमिवे हर जगह छा रहा है, हाँ पहले नहीं होते थे पैसे, हाँ पैदा नहीं हुआ था मैं रैपर, हाँ सब कुछ मैं सीखता हूँ आया, आज भी मैं सीख ही रहा हूँ यहाँ पर, पहले एक साल में आते थे 100 व्यूज, आज एक दिन में 2 मिलियन पार है, तू तो अश्लील गाने बनाता था कॉन्डम और गड़बड़, अब क्या विचार है? ओके मैं कमाता भाई तू, लेकिन मैं क्या करूँ पता है, मैं चिल्लर उठा के पिल्लर बना दूंगा, हर एक गाना मेरा किल्लर बना दूंगा, ज्यादा जलूंगा तो खुद को जला दूंगा, कॉम्पिटिशन ना कर सकते हरा दूंगा। व्हाट अ लाइन यार, मतलब तुम ज्यादा पैसा कमाते हो लेकिन मैं चिल्लर 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 जोड़ के ही देखना एक दिन बड़ा महल बना लूंगा। क्या बात है यार, इंस्पिरेशन यहाँ से मिलता है, इंस्पिरेशन लेना चाहिए यार ऐसे ऐसे लोग ऐसे बंदे, मतलब इनके गाने में ऑथेंटिसिटी झलक रही है। किसी मतलब अगर कोई फेक बातें करता है ना तो वो भी पता चल जाता है पब्लिक को सुनने से, और आप सुन के किसी को बता सकते हैं कि कितनी इस चीज़ में सच्चाई होगी। एक ऊपर ऊपर से भी आप नहीं जानते हो, आप गहराई में नहीं जानते हो किसी मैटर को, लेकिन आप ऊपर ऊपर से भी उस चीज़ को सुन के और समझ सकते हो कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है, तो वो चीज़ इसमें थोड़ी समझने वाली है। मतलब जो भी झूठ बोलता है ना उसकी जबान लड़खड़ाती ज़रूर है, जिस तरह की मतलब होता है यार ऐसा, ऐसे कुछ स्लाइटली चीज़ें होती हैं पकड़ने वाला चीज़, वो लोग पकड़ सकते हैं, इनमें सच्चाई दिख रही है। सबसे हरा दूंगा, सबसे हरा दूंगा, मैं सबसे हरा दूंगा। सुन तेजी में गाता
रफ्तार, उसे सुनने के हुआ मैं तैयार, अंग्रेजी में तेजी से अब गाओ, अब सबको सुनाओ देख मेरी रफ्तार। इनको अक्सर लोग बोलते थे कि आप हिंदी में रैप करते हो, ये तो पढ़ा लिखा नहीं है हिंदी में रैप करता है, इंग्लिश तो इसको आती ही नहीं होगी, इंग्लिश में ये कहाँ रैप कर पाएगा। तो वो लोग शायद बड़े बनते होंगे कि हाँ अपन बड़े स्कूल से आए हैं, अपन इंग्लिश में रैप करके दिखाते हैं, अपन इंग्लिश में करते हैं तो हम लोग ज़्यादा हाई लेवल वाले रैपर हैं, तो इसलिए ये लाइन ये बोल रहे हैं कि मैं भी इंग्लिश में देख अब कितना फाड़ू रैप करता हूँ और कितना रफ्तार का। आपने इसमें शायद बोला होगा कि रफ्तार का रफ्तार बहुत तेज है इंग्लिश में। तो लाइन सुन बेटा ध्यान से, जो भी अकेला निकाल बेटा कान से, मैंने कहा तुझे सुन के मैं हुआ तैयार, ये बताने रफ्तार में तेज हूँ तूफान से क्या। मैं गाना लिखे आया हूँ मेडिसिन, खाना खाए बिना खाता मैं मेडिसिन, मेरे रास्ते के बीच में जो अड़चन बने तो फिर कल के न्यूज़पेपर में मिसिन वाली खबर छपेगी तेरी, तेरी सारी चीजें मेरी, मेरे गाने सुन के लोग बोलेंगे कुछ तो सीखो मुझसे, मुझसे क्या मतलब है तेरा, इखलाफे पे सीधा बहरा फट, जब पड़ेगी तेरी फट के हाथ में बिना बोले कुछ तुझे करूं बर्बाद, में बाद में साथ में तुझको बिठा के, जो भी गिला शिकवा है उसको मिटा के, हटा के तेरे गानों के पर्दों पे चीकू मैं। खत्म, डायरेक्ट मशीन गन से खत्म कर डाला। ऐसे क्रिएशंस बनाने के लिए बहुत बहुत मेहनत और बहुत लगन होना चाहिए, लेकिन कुछ लोगों के पास गॉड गिफ्टेड होता है ये सारी चीज़ें, उनको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो ऐसे रैप बना लेते हैं। तो उनमें से ये है एमी वे, गॉड गिफ्टेड, भगवान ने इनको रैपर बनने के लिए ही ऊपर से पैदा किया कि चलो तुमको इसी लाइन में जाना है, और उन्होंने वो लाइन पकड़ ली। वो कहते हैं कि आप अगर ऐसा कोई काम करो जो जिसमें कि आप बहुत अच्छे हो, जो काम करने में आप का कोई मुकाबला नहीं कर सकता, ऐसा अगर काम आपका प्रोफेशन बन जाता है तो आप उसमें बहुत कमाते हो, बहुत पैसे कमाते हो, पैसे के साथ साथ नाम शोहरत इज्जत तो खैर मिलता ही है, पैसे बहुत कमाते हो। तो आई थिंक इनका भी वही था, इनको भी टैलेंट मिला हुआ है भगवान की तरफ से एंड इन्होंने उसको अपना प्रोफेशन बनाया। तो आज देखिए कहाँ पे हैं, कहाँ पहुँच गए हैं, मिलियंस में व्यूज आते हैं, एक एक दिन में इनके 3-4 मिलियन क्रॉस हो जाते हैं और लोग इनको इतना प्यार करते हैं, बाहर के लोग इवन इंडिया से तो लोग करते ही हैं, इंडिया के तो बहुत सी पब्लिक इनको प्यार करती है, बंटाई की पब्लिक, लेकिन बाहर के लोग भी काफ़ी ज़्यादा इनके रैप को सुनते हैं और बाहर के रैपर्स इंस्पायर होते हैं इनसे और इनके साथ बनाने की वो क्या उसको बोलते हैं कोलैबोरेशन, कोलैब करने के लिए बाहर से भी लोग अप्रोच करते हैं, खुद से आते हैं, जितने भी इनके राइवल्स थे उनसे ये काफ़ी ज़्यादा आगे निकल चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा आगे हो चुके हैं, तो अब इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, किसी को जवाब देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा आगे निकल चुके हैं और इनको खुद ही में पता होगा यार, सबको पता है और क्या है क्या नहीं है, तो सारी चीज़ें तो सामने ही थी पब्लिक के, तो इसलिए पब्लिक ने खुद ही चूज़ कर लिया कि उनको किसको सपोर्ट करना है किसको नहीं करना है। तो यही था आई थिंक गाने, मुझे ऐसा लगा कि यही सारी चीज़ें थी, कुछ चीज़ें थी जो बीच में मैंने बता दी। बहुत फाड़ू रैप करते हैं, बहुत अमेजिंग रैप करते हैं, बहुत ज़्यादा शब्दों का जो जाल बुनते हैं, शब्दों का जो एकदम मुक्का बना के ऐसे पंच मारा है तो सच में एकदम मशीन गन चला के लास्ट में मार ही डाला उसको, इतना ज़्यादा सुना सुना के बेचारे को ऐसे ही अधमरा कर दिया एंड देन लास्ट में मशीन गन चला के उसको ख़त्म ही कर डाला। तो अमेजिंग था, आई थिंक मैं इसको 100 out of 100 देना चाहूँगी बिकॉज ऑफ कि एमी वे को मैं बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है इनके रैप की क्वालिटी, इनके रैप में जो सच्चाई होती है, इनके जो दिल में होता है वो जुबान पे होता है, तो वो चीज़ इनकी जो झलकती है रैप के अंदर।
तो कुछ नहीं, बस यही था तो वीडियो। आई होप कि मैंने सारी चीज़ें क्लियर की होंगी, आपको भी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है, और मुझे तो बहुत ही अच्छी लगी क्योंकि इसमें कोई अश्लील बातें नहीं की इन्होंने, कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं बोली। हाँ थोड़ा बहुत म्यूट, वो स्टार्टिंग में जब उन्होंने गाली दी तो वहाँ पे बीप बजा, तो वो भी सही था, मुझे ऐसा लगा बीप बजाना चाहिए था। लेकिन बिल्कुल साफ सुथरा गाना था और बिल्कुल सच्चाई मतलब झलक रही थी गाने के अंदर, जो वर्ड्स थे वर्डिंग्स थे, और वो ऐसा फील हो रहा था, वो उस इमोशन से बोली गई थी, वो उस इमोशन से प्रेजेंट की गई कि मतलब दिल तक पहुंच गई वो चीज़ें, और ऐसा लगा कि रियली रियली ये ऐसी इनके ऊपर हुआ है, वो चीज़ें वो बीती हैं, वो खुद अपनी आप बीती बता रहे हैं। तो रैपर है, एक्टर नहीं, आई थिंक ये रैपर है एक्टर नहीं, तो ये एक्टिंग तो उतना नहीं कर रहे होंगे। आई थिंक सच में उनके जो दिल की फीलिंग्स जब हम किसी को बताएंगे तो कैसे बताएंगे, ऐसे ही बताएंगे, तो वही है। तो आई थिंक गाना एकदम मोटिवेटिंग भी है, और जैसे इन्होंने बोला, मैं तू डॉलर में कमाए चाहे खोखे में कमाए करोड़ों में कमाए, मैं चिल्लर से अपना महल खड़ा कर लूँगा, तो वो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटिंग हो जाती है। और इनकी लाइफ पूरी की पूरी लाइफ ही एक मोटिवेशन है, अगर आप देखें तो अच्छे से इनके सारे जर्नी को शुरू से एंड तक, मतलब अभी तक, एंड तक तो अभी एंड नहीं हुआ है, शुरू से अभी तक की जर्नी अगर देखें तो आपको भी इंस्पिरेशन मिलेगा, ज़रूर मिलेगा, जैसे मुझे मिला है। मैंने बिल्कुल इनके सारे गाने देखे, मुझे ऐसा फील हुआ कि मुझे बनाना चाहिए इनके वीडियोस पे रिएक्शन, तो इसलिए मैं बनाती हूँ, मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। तो चलिए मैं ये वीडियो को यही एंड करूँगी, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर पसंद आई होगी एक लाइक ज़रूर करिएगा, और ज़रूर से शेयर करिएगा जो भी आपके आसपास रहते होंगे, अगर आपके कोई भी सुरक्षाकर्मी, पुलिस सुरक्षा बल, या फिर कोई भी ऐसे लोग होंगे जो आपके कांटेक्ट में होंगे, तो प्लीज़ उनसे उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा। तो चलिए मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो को मैं यही एंड करूँगी, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय।